हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली एलटीए को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 20th ऑफ जुलाई दोपहर तक सेंटर वाइज स्टेट वाइज पूरी की पूरी बच्चों की लिस्ट डालेंगे, सब लिस्ट आउट हो चुकी है और कल से सबके सब एनालिसिस करने लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा फोन कॉल्स के बाद मैंने भी अपना एक फाइनल एनालिसिस बनाया है फॉर द पंजाब कट ऑफ। क्या होना चाहिए पंजाब में, क्या सच में पंजाब में इन्फ्लेशन हाई आया है, और आया है तो किस मार्क्स पे ज्यादा इन्फ्लेशन हाई आया है, और अब इस साल की पंजाब कट ऑफ क्या जानी चाहिए, ठीक है ना। तो खैर, किसी सेंटर पे जैसे एनालिसिस चल रहा है कि किसी सेंटर पे ज्यादा है, किसी पे कम है, उस पर हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ के लिए मैंने कुछ डाटा अपने पास पहले से बनाया, कुछ हम अब बनाएंगे अब सबके साथ। तो चार कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर, जीएमसी पटियाला, जीएमसी अमृतसर, जीएमसी फरीदकोट एंड जीएमसी मोहाली, ठीक है ना। तो ये मैंने सीट्स लिखी हैं 86, 88, 39, 30 फॉर जनरल कैटेगरी बात चल रही है। ये इस वीडियो में सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात चल रही है। अगर आपको किसी भी कैटेगरी के लिए चाहिए तो आप बता सकते हो इसमें कॉमेंट सेक्शन में। सो 243 सीट्स हैं हमारे पास, और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ लास्ट राउंड की, 624 पे जीएमसी पटियाला जो है वो खत्म हो गया था। मैंने लास्ट रैंक लिखा है ऑब्वियसली 589 पे, ये 581 पे और 584 पे, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। और ये उसके अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू उनका अप्रॉक्सीमेट मैंने इसलिए लिखा बिकॉज 581 पे दो तीन बच्चे हैं तो एक आध ऊपर नीचे हो सकता है कि मेरा रैंक आ गया हो, पर अप्रॉक्सीमेटली यही रैंक बन रहा है। और ये मैंने लिखा है इनका पंजाब का काउंसिलिंग रैंक, पिछले साल पंजाब का इनका रैंक, पंजाब मेरिट लिस्ट में इनका क्या रैंक था, ये वो है। फाइन, तो अब हम, ये तो डाटा था पिछले साल का, अब हम इसको इस साल के डाटा से कंपेयर करते हैं बिकॉज कल हमारे पास पंजाब के ईच एंड एवरी स्कूल में जहां पेपर हुआ है उनकी लिस्ट आ गई है। उससे हमने पंजाब के रैंक्स जो है वो प्रेडिक्ट करने शुरू कर दिए हैं सब पेरेंट्स ने, सब बच्चों ने, सब कोचिंग सेंटर्स ने। तो क्या सिनेरियो है पंजाब के रैंक के अकॉर्डिंग इस साल? तो अगर मैं एक बार पिछले साल के साथ ही कंपेयर करके बनाता हूं कि अगर लास्ट ईयर 260 पंजाब रैंक पे जीएमसी पटियाला ओवर हुआ था तो इस साल 2024 के अंदर, ये तीनों चीजें 2023 की हैं, इस साल 2024 पे 260 रैंक पंजाब का ये बन रहा है 675 मार्क्स पे। रुकिए, फिलहाल मैंने ये नहीं कहा है 675 कट ऑफ है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, मजेदार चीज है समझने वाली। ये 260 रैंक पे साल 675 मार्क्स बन रहे हैं, और कल वाली लिस्ट में ही अगर हम पंजाब रैंक 575 में देखें तो इस साल 642 नंबर चाहिए आपको। ये मैं अब इस रैंक को यूज कर रहा हूं कल वाली लिस्ट के साथ कंपेयर करने के लिए, अब कितने मार्क्स चाहिए। 634 अगर आपको पंजाब रैंक चाहिए तो 634 रैंक लेके आने के लिए आपको 636 जो है मार्क्स इस साल 2024 में चाहिए। ये पंजाब रैंक अगर आपको इतना लाना है, और अगर आपको पंजाब रैंक 611 लाना है तो आपको इस साल 639 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। फाइन, अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भाई क्या यही कट ऑफ है? क्योंकि पंजाब रैंक आ गया है तो पंजाब रैंक के अकॉर्डिंग अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो यही कट ऑफ बननी चाहिए। पर एक इंटरेस्टिंग किस्सा है इसमें, कुछ फैक्टर्स समझने वाले हैं। सबसे पहला, अगर हम इसे ऑल इंडिया रैंक में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे ऑल इंडिया रैंक में कन्वर्ट करते हैं तो इस साल 675 नंबर पे है 11,000 रैंक। कितना है? 11,000। 642 नंबर पे है 36,000 रैंक। 600, ये 36-37 भी हो सकता है, 36-37 के आसपास। और 636 नंबर पे है तकरीबन 42,000 रैंक, एंड 639 नंबर पे है तकरीबन 38,000 रैंक। 38, 38, 42, ये थोड़ा सा हो सकता है ऑल इंडिया रैंक में, मतलब 500 बच्चों से इतना कोई खास यहाँ पे एनालिसिस में फर्क नहीं पड़ेगा। 36 का अगर 36.5 भी होगा तो खैर, मुद्दे की बात क्या है, ऑल इंडिया रैंक अगर कंपेयर करेंगे, देखिए पिछले साल से मैच कर रहा है, जितने ऑल इंडिया रैंक पे पंजाब रैंक 575 बना था,
इस साल भी 36,000 रैंक वाले का ही पंजाब रैंक 575 बन रहा है। अगर 41,000 पे पिछले साल 41,000 ऑल इंडिया रैंक लेके आने पे इस साल 634 पंजाब रैंक बन रहा है, तो इस साल भी 42,000 रैंक लेके आने पे 634 ऑल इंडिया रैंक पंजाब रैंक बनेगा। और 39,000 अगर हम पिछले साल ऑल इंडिया रैंक लेके आते थे तो पंजाब रैंक 611 था, वो इस साल 38,000 रैंक पे बन रहा है। अब देखिए जरा, ज्यादा फर्क नहीं है। इसका मतलब इन मार्क्स पे नंबर ऑफ बच्चे देखें तो पिछले साल जैसा ही परफॉर्मेंस है। नंबर ऑफ बच्चों के हिसाब से देखें तो पिछले साल जैसा ही परफॉर्मेंस है। ध्यान दीजिए जरा, इस पे कोई ज्यादा ऊंच नीच नहीं हुआ है पंजाब में इस नंबरों पे। पर पटियाला में ऐसा सिनेरियो नहीं है। पटियाला के लिए पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 16,600 बच्चा ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे ने एडमिशन लास्ट में अप्लाई किया हुआ है, जिसका पंजाब रैंक चाहे 260 है। पर इस साल अगर कोई बच्चा जिसका पंजाब रैंक 260 है उसके पास ऑल इंडिया 11,000 रैंक है, क्या वो 11,000 रैंक पे जीएमसी पटियाला ऑप्ट करेगा? कर सकता है, बट देयर इज अनदर चांसेस ऑल्सो। भाई वो बाहर भी जा सकता है, वो ऑल इंडिया लेवल पे भी ट्राई कर सकता है। इसलिए क्योंकि ये तीनों कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि यही अराउंड कट ऑफ रहना चाहिए। बट इसमें इन मार्क्स में आपको दोनों चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, स्टेट रैंक को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और ऑल इंडिया रैंक को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ स्टेट रैंक देखोगे 675 कट ऑफ जाएगी, अगर आप ऑल इंडिया रैंक देखोगे तो आपकी कट ऑफ 9 नंबर कम होके 666 पे आ जाएगी। तो मेरा मानना है कि ये जो वेरिएशन है जीएमसी पटियाला के लिए पक्का डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्यों मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पंजाब की परफॉर्मेंस की बात करूं, पंजाब के बच्चों ने इस साल बेटर परफॉर्म किया, यानी कि द इन्फ्लेशन एट अबव 675, 675 नंबर से ऊपर पंजाब ने इन्फ्लेशन हाई किया है। पंजाब का बच्चा ज्यादा बेटर स्कोर लेके आया है ऑल इंडिया के मुकाबले, कह सकता हूं ऑल इंडिया रैंकिंग में पंजाब का बच्चा 675 में ज्यादा छाया है अगर हम पिछले सालों से कंपेयर कर रहे हैं तो। पिछले सालों में इन रैंक्स में पंजाब के बच्चे कम होते थे, अब इस बार ज्यादा बच्चे हैं। कह सकते हैं पिछले साल 16,000 में पंजाब के बच्चे थोड़े कम थे, अब ज्यादा आ गए हैं। तो इसलिए बच्चे पंजाब से ऑल इंडिया लेवल पे इस कैटेगरी के जाने के चांसेस ज्यादा है। मोरओवर एक दो चीजें और कहना चाहूंगा। जैसे एक तो ये जो चीज है कि भाई बहुत सारे बच्चे जो है इस कैटेगरी के, क्योंकि पंजाब में ज्यादा बच्चे हैं तो वो डेफिनेटली ऑल इंडिया में ट्राई करेंगे, तो थोड़ा सा ये कट ऑफ नीचे देखने को मिल सकता है। और एक चीज और भी है, जैसे हम इसको पिछले साल पंजाब की काउंसलिंग रैंक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा भी तो है ना कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिछले साल स्कोर हाई किया, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर वन ऑफ द स्टूडेंट जिसके 695 मार्क्स थे लास्ट ईयर 2023 में, उसने पंजाब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ऑब्वियसली नहीं करेगा, ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग जाएगा तो उसका तो नंबर ही नहीं है यहाँ पे। और हमारे पास जो कल लिस्ट आई है, हमने तो वो सारे बच्चे कंसिडर कर ली जिन्होंने पंजाब में एग्जाम्स दिया है, हमने तो वो चंडीगढ़ के बच्चे जो पंजाब में आके एग्जाम दे रहे हैं बिकॉज बिल्कुल पास में ही पढ़ता है, हमने तो वो भी बच्चे इस लिस्ट में कंसिडर कर लिए हैं, क्योंकि इस लिस्ट को हम इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने वो बच्चे भी कंसिडर कर लिए जो चंडीगढ़ वाले पंजाब आके पेपर दे रहे हैं, हमने वो बच्चे भी कंसिडर कर लिए जिनका रैंक जिनका नाम तो आया लिस्ट में पर वो पंजाब में काउंसलिंग के टाइम पे अप्लाई ही नहीं करेंगे। इसीलिए ये दो रीजन है, ऐसे ध्यान से सुनिए जरा, ये जो पंजाब काउंसलिंग रैंक है पिछले साल का, इसमें वो बच्चे नहीं है जिन्होंने पंजाब में काउंसलिंग भरी ही नहीं है, जिन्होंने पंजाब में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई है। पर जो कल लिस्ट है उसमें वो बच्चे हैं जिसमें सारे बच्चे हैं, तो उसमें से वो बच्चे निकलेंगे जो ऑल इंडिया, जैसे मान लीजिए 720 आउट ऑफ 720 वाला बच्चा है, वो अगर पंजाब में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएगा तो डेफिनेटली आपका पंजाब मेरिट एक अप जाएगा, और अगर आपका एक पंजाब मेरिट अप जाएगा तो अब जो ओरिजिनली कल बच्चा अपने आप को 611 नंबर पे मान रहा है वो 611 की बजाय 610 पे आ जाएगा, एक रैंक ऊपर आ जाएगा वो।
अगर मान लीजिए कि 50 भी बच्चे ऐसे निकलते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया बाबा फरीद के अंदर, पंजाब में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, तो वो बच्चा जो कल पूरी लिस्ट में देख के अपने आप को मान रहा है कि मेरा सीक्वेंस नंबर 611 बन रहा है, वो एक्चुअली में 611 नहीं है, वो 561 है, क्योंकि वो 50 बच्चे पंजाब काउंसिल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। इसलिए मैं इन नंबरों को पूरा सेफ मानता हूं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ये पक्का सेफ सीटें हैं बिकॉज ऑफ टू रीजंस। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल अप्लाई अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया रैंक, क्योंकि पंजाब में इस बार इंप्रूवमेंट आया है 675 प्लस 4 के ऊपर। एंड दूसरा, क्योंकि इस लिस्ट में मैंने वो बच्चे कंसिडर ही नहीं करे हैं जो पंजाब काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हमने सीधा सीधा कल की जो टोटल बच्चों की लिस्ट है उसको पिछले साल की पंजाब रैंकिंग से कंपेयर कर लिया है, तो ये सेफेस्ट स्कोर बन के आएंगे। बाकी कुछ बच्चे हम देखते हैं कि फेक डोमिसाइल लग जाते हैं, तो ये चीजों से कितना हम बच के रहेंगे, कितना अवेयरनेस रहेगी पेरेंट्स को कि वो तुरंत कंप्लेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इन चीजों से बच के रैंक पे जितना 2-4 नंबर का ऊपर नीचे का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा ये समय से पता चलेगा। बट स्टिल एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी एनी फीडबैक यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप उसमें मेरे से बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।